आज हम लोग बताएंगे आपको RE500 केमिकल के बारे में, जो रिवायरिंग में यूज़ होता है और इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। ये केमिकल है, दो पेस्ट हैं, जिसमें दो पेस्ट, ये यहाँ पे एक नोज़ल लगा होता है, उसके थ्रू बाहर आता है। ये गन है, गन लिखे हो, ये गन है, इसको हम उस केमिकल को इसमें घुसाएंगे। तो इसको, इस केमिकल को इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप इसको बताएं कि इसको खोलना कैसे, इस गन को सबसे पहले खोलना कैसे, इस स्विच को दबाना है और इस पिन को खींचना है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद फिर इसे पुश करना है, नीचे से पुश करना है, ये ऊपर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो ये क्लिप है, इसे प्रेस करना है, प्रेस करके ये लॉक खोल लेना है। उसके बाद यहाँ लॉक है, ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे इस दोनों जो पेस्ट के लिए स्पेसिंग है, इसे यहाँ पे पुश कर देना है। पुश करने के बाद फिर जैसे, जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से फिर इसे लगा देना है। फर्स्ट यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसे लॉक करना है, फिर इसे पुश कर देना है, फिर अब यहाँ पे एक इसका नोजल लगाना है। ये है नोजल, और इसे फिर यहाँ पे लगा देना है। इस पेस्ट को यूज़ करने से पहले, अभी इंस्टॉल हो गया है, इस पेस्ट को यूज़ करने से पहले ये इसे इसका सील टूटना ज़रूरी है, तो इसे प्रेस करना है, प्रेस करते रहना है। जब तक वो प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वो सील नहीं टूटेगा। देखिए हार्ड हो गया, प्रेस किया तो ये सील टूट गया, अब केमिकल बाहर आया। लेकिन ये एक ही केमिकल, अब देखिए जो ये कलर है, पिंक आना ज़रूरी है, दोनों केमिकल आना ज़रूरी है। ये केमिकल, यही मेन केमिकल है, दोनों का मिक्सचर। अब हम इसे यूज़ करेंगे, इसलिए आपको दिखाते हैं यूज़ कैसे करेंगे। मैं पहले ड्रिल से इसे होल कर लेना, जहाँ पे रिबारिंग होगा। ये मैंने ये सब हम लोगों ने कुछ 1 आवर पहले किया था, तो हार्ड हो चुका है, देख सकते हैं हिल नहीं रहा है। अब हम इसे केमिकल को डालेंगे, केमिकल जा रहा है। डालना है जितनी ज़रूरत है, फिर रॉड को ला के रॉड लेके स्टील रॉड को ला के जितना रिक्वायरमेंट है उसे पुश करना है, घुमा घुमा के पुश करना है, जैसे केमिकल बाहर आना चाहिए, तब ये परफेक्ट रिबारिंग होता है। देख सकते हैं, देख सकते हैं हम लोगों ने पहले रिबार कर चुका है बहुत सारा, ये पूरा रिबारिंग हुआ है।